क्योंकि झारखंड बिहार का बोला जाता है ना कि अगर भैया भाड़ा में चलाना है तो यही गाड़ी बोलेरो ले लीजिए, बोलेरो ही लेना होगा तो वही गाड़ी। भैया तो टायर की कंडीशन देखिए मस्त एकदम, दोनों गाड़ी का टायर की कंडीशन मतलब अच्छी कंडीशन है गाड़ी की कंडीशन दिखाते हैं तो भाई सनरूफ देख सकते हो इस तरह, बाकी आप लोग सिनेमैटिक्स में अभी देख पा रहे होंगे। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है विनोद और भाई आप देख रहे हो आप ही का चैनल विनोद के ब्लॉग। अगर डीलरशिप की बात करते हैं ना भाई, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं पोदार मोटर रियल वैल्यू, जहां आपको हर एक तरह की आज गाड़ियां दिखाने वाले हो। अगर गाड़ियों की बात की जाए तो आज बोलेरो की ज़्यादा गाड़ी होगी, एक SUV सेगमेंट की होगी। एक बार आप कलेक्शन की बात करते हो तो भाई कलेक्शन देख लो इस तरह, 2-3 बोलेरो होने वाली है, एक स्कोबी होने वाली है, एक SUV 500 W10 होने वाली है, बाकी आप देख लो वेगनार है। उसके बाद मैं आपको यहाँ से बाहर दिखाता हूँ तो भाई बाहर भी एक आपको बोलेरो लगी हुई, मतलब आज टोटल 3 बोलेरो होगी, बाकी छोटी सेगमेंट की गाड़ी आपके होने वाली है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से मिलेंगे जो हमारे साथ जो सारी गाड़ियों को डिटेल्स देंगे भैया से, उनसे मिलेंगे। और भाई आप चैनल पर नए होंगे तो भाई चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो हमेशा आप लोग के लिए लाते रहता है, जिससे आप लोग को भी कोई गाड़ी खरीदना हो उसे आसानी होता है। तो चलिए मिलते हैं भैया से और जानते हैं क्या कुछ डिटेल्स होने वाली है, बाकी एड्रेस फाइनेंस वगैरह का सारा डिटेल्स हम लोग दे देंगे। तो चलिए शुरू कर देंगे। भैया कैसे है? बढ़िया, मज़े। पूरा नाम बताइए भैया अपना। जी मेरा नाम अजहर हुआ और मैं पोदार मोटर रियल वैल्यू शोरूम में जॉब करता हूँ, और आप जहाँ पे हैं वहाँ पे रियल वैल्यू शोरूम में आप देख रहे हैं वीडियो। क्या कुछ डील लेके आए हैं सो बताइए। आज तो बहुत अच्छा डील है भैया, गाड़ी एक से एक यहाँ पे पड़ी हुई है। चलिए भैया बहुत ज़्यादा हम लोग लेट नहीं करेंगे, बाकी एड्रेस वगैरह हम लोग सबसे लास्ट में बात कर लेंगे, या फिर अभी बताइएगा, अभी बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, आप काटा टोली की तरफ से आ रहे हैं तो 1 किलोमीटर आप बढ़िएगा तो लेफ्ट साइड में देखिएगा पोदार मोटर रियल वैल्यू शोरूम है और यूज कार शोरूम आपको नजर आएगा। और आप बूटी मोड़ की तरफ से आ रहे हैं तो आपको लगभग 3 किलोमीटर आगे बढ़िएगा कांटा टोली की तरफ, तो आपको राइट साइड में पोदार मोटर रियल वैल्यू शोरूम नजर आएगा। तो चलिए बाकी एड्रेस वगैरह सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, बाकी फाइनेंस वगैरह के लास्ट में पूछ लेंगे। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, कहाँ शुरू करते हैं? जरूर शुरू करते हैं। गाड़ी हम लोग के पास कौन सी है भैया वो बताइए। अभी आप देख रहे हैं ये बोलेरो SLE है। अच्छा, बोलेरो SLE, बोलेरो SLE 2015 की है और ये आपको मिलेगी लातेहार नंबर में। लातेहार नंबर मिलेगी 2015 की, मतलब अच्छी कंडीशन में होने वाली गाड़ी, बहुत अच्छे कंडीशन, क्योंकि झारखंड बिहार का बोला जाता है ना कि अगर भैया भाड़ा में चलाना है तो यही गाड़ी बोलेरो ले लीजिए, बोलेरो ही लेना होगा तो वही गाड़ी आप लोग के लिए लेके आ गए हैं। गाड़ी देख लो एक नंबर SLE है ना भैया, SLE इसमें पावर स्टीयरिंग पावर ब्रेक सारा कुछ होता है, एयर बैग विंडो नहीं मिलेगा, पावर स्टीयरिंग AC, अच्छा अच्छा, और स्टीरियो सिस्टम और सीट कवर, बाकी सारा चीज सारा कुछ होगा, बाकी गाड़ी में तो कोई खर्च वगैरह नहीं निकालिएगा, कोई खर्च नहीं, ओरिजिनल कलर होगी। बाकी अगर बात की जाए भैया तो इसमें कोई तरह से खर्च वगैरह बताइए। देखिए इसमें कोई खर्च नहीं है, हम तो यही आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे गाड़ी टेस्ट ड्राइव देते हैं और आपको कोई कमी दिखती है तो हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस हैं, उनको रीचेक करके वो उसको शॉर्ट आउट, मतलब आपको लगता है कि थोड़ा बहुत खर्च है तो आप आइए, उसके बाद आपको सारा कुछ शॉर्ट आउट होने वाला है। अब बताइए भैया किलोमीटर कितना चला हुआ है? 71,000 के आसपास चली हुई गाड़ी ओरिजिनल महिंद्रा के शोरूम से, तो इसका निकल जाएगा सर्विस रिकॉर्ड, रिकॉर्ड निकालना चाहेंगे तो सारा निकल जाएगा। चलिए तो भाई रिकॉर्ड भी निकल जाएगी। ओनरशिप कौन सी होगी भैया? ये फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट, कोई तरह से खर्च तो नहीं होगा। इंश्योरेंस? इंश्योरेंस भी आपको करा के मिल जाएगा। ओरिजिनल कलर है या फिर बॉडी वगैरह थोड़ा बहुत टच में आपको मिल जाएगा? तो भाई ओरिजिनल कलर है, थोड़ा आगे से हम लोग इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं कि जगह का थोड़ा सा समस्या है। अब बताइए भैया क्या आस्किंग कोट की जा रही है जरा बता दीजिए। आपको लगेगी 545,000 ओनली, 545,000 2015 मॉडल। तो भाई आओ लेके जाओ, बाकी टायर वगैरह तो कंडीशन नया है अभी एक, बाकी देख लो टायर वगैरह कंडीशन देख लो, अच्छी कंडीशन में आपको यहाँ से मिलती है। 16 इंच की आती है या 15 इंच की आती है? ये 16 इंच की आई है, 16 इंच की आती है। चलिए अगली गाड़ी की ओर बढ़ते हैं हम लोग भैया। तो अगली गाड़ी फिर से हमारे पास बोलेरो है, ये बोलेरो की कौन सी है भैया? बोलेरो DI है, ये बोलेरो DI है, 2017 की है विथ AC,
विथ एसी? एसी के साथ है। आफ्टर मार्केट लगाया गया फिर? नहीं, नहीं, ये इनबिल्ट है, इनबिल्ट है। बाकी इसके अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो टायर की कंडीशन देखिए मस्त एकदम, दोनों गाड़ी का टायर की कंडीशन मतलब अच्छी कंडीशन है, गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी है, टायर की कंडीशन भी अच्छी है और गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, दोनों कंडीशन में अच्छा है। अब बताइए क्या डिटेल्स होगी जरा बताइए। ये आपकी लगभग हमको लगता है कि 60-70 के आसपास चली हुई गाड़ी है और आपको मिलेगी ये देवघर नंबर है, देवघर JS 15 देवघर बाबा नगरी की गाड़ी है। ओरिजिनल पेंट में होगी ये, फिर थोड़ा बहुत टचअप मिलेगा बम्पर में, क्योंकि भाई थोड़ा सा चलती है सब गाड़ी भाड़ा वाड़ा में ज्यादा, तो टचअप वगैरह चांसेस ज्यादा होती है। ओनरशिप पॉलिसी होगी? ओनर फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट होगी। कोई तरह से खर्च भैया? देखिए खर्च के मामले में जीरो समझ लीजिए, जीरो खर्च है, जीरो खर्च है। तो भाई जीरो खर्च होने वाली है, इस तरह का देख सकते हो। फ्रंट लुक की बात कर रहे हो तो भाई फ्रंट लुक देख लो इस तरह से, कोई तरह से आपको टचअप वगैरह नहीं। ब्लैक पट्टी आती है ना भैया ये, या फिर सिल्वर आती है? नहीं, ब्लैक ही पट्टी आती है। तो भाई इस तरह का आप देख सकते हो यहाँ से। अब जान लेते हैं भैया हम लोग यहाँ से कीमत क्या आस्किंग कोट की जा रही है जरा बताइए। इसका 5,45,000 5,45,000 तब तो दोनों की सेम है भैया, दोनों की सेम प्राइस, दोनों की एयर का दोनों का डिफरेंस है। दो वो SLE है 2015 की है, लेकिन ये DI है, इसमें मैनुअल स्टीयरिंग होने की वजह से भी इसका थोड़ा प्राइस लो होता है। अच्छा, लेकिन अच्छा। ये 17 की गाड़ी है ना? 17 गाड़ी है, 2 साल इससे आगे की गाड़ी है, मतलब आप देख लो इस तरह का देख सकते हो, अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। तो भाई जिन किन्हीं भाइयों को चाहिए होगा ना भाई आओ लेके जाओ। कॉल करने की टाइमिंग क्या होगी भैया थोड़ा बता दीजिए? कॉल आप ऑफिस आवर में किसी टाइम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो भाई कॉल करने की टाइमिंग भैया ने बता दिया। अब आते हैं भाई हमारे पास XUV500 W10 इसमें तो सनरूफ भी होगी, सनरूफ पहले हम लोग को दिखाया था उसमें सनरूफ नहीं थी, वो W8 थी, इसमें सनरूफ के साथ। क्या डिटेल्स होगी भैया उसकी ये बताइए। ये गाड़ी आपकी चली हुई लगभग 65,000 किलोमीटर और ये आपकी होगी बोकारो नंबर गाड़ी, बोकारो JH09। और गाड़ी ओरिजिनल कलर में आपको मिलेगी, गाड़ी है टॉप मॉडल गाड़ी है, इसका इंटीरियर वगैरह आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में। क्या कुछ मिलता है इंटीरियर में भैया वो थोड़ा? इंटीरियर में आपको एक मिलेगा डिस्प्ले, मिलेगा आपको स्टीयरिंग पावर विंडो, एयरबैग भी इसमें कितने आती है? 7-सीटर गाड़ी है, 7-सीटर गाड़ी और लग्जरी बोलते हैं, लग्जरी गाड़ी आपको मिलने वाली है, महिंद्रा की ओर से आती है। और भाई इसकी अलॉय की बात की जाए तो ये 16 इंच की आती है, 17 इंच की आती है। आप यहाँ से देख सकते हो कहाँ पे है, देखो 235-65-17 इस तरह की आती है। बाकी गाड़ी फ्रेश कंडीशन में, किलोमीटर क्या चली हुई भैया? ये किलोमीटर 65,000 किलोमीटर लगभग चली हुई गाड़ी है, ओरिजिनल फर्स्ट ओनर, हाँ फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और गाड़ी का क्वालिटी तो आप देख ही रहे कितने अच्छे कंडीशन, गाड़ी पूरा फ्रेश कंडीशन, वन कलर में है या फिर थोड़ा बहुत टचअप होगा? इसमें टचअप है ही नहीं है मेरे, मतलब जो है ओरिजिनल है, ओरिजिनल कलर में है भाई। तो आओ लेके जाओ। अब जान लेते भैया खर्च वगैरह थोड़ा बहुत, इसमें जीरो खर्च के हिसाब से, जीरो खर्च हमारे गाड़ी में खर्च ही नहीं है, मतलब जो भी होगा वो सारा कुछ करा दीजिएगा, वो भी हम करके देंगे ना। चलिए कीमत बताइए भैया क्या कीमत? इसकी कीमत है लगभग 9,65,000 रुपए 9,65,000 है। बाकी इसमें सनरूफ वगैरह भी है ना? सनरूफ है, सनरूफ भी आप लोग को थोड़ा दिखाते हैं। तो भाई सनरूफ देख सकते हो इस तरह, बाकी आप लोग सिनेमैटिक्स में अभी देख पा रहे होंगे कि सनरूफ किस हिसाब से है। बाकी सनरूफ तो वर्किंग कंडीशन में ना, वर्किंग सारी चीजें वर्किंग कंडीशन में, तो सारी चीजें वर्किंग कंडीशन में आओ लेके जाओ। बाकी टायर वगैरह की भी कंडीशन अगर की बात की जाए तो अच्छी कंडीशन में, अब एक जरा सा क्रोच वगैरह भी नहीं देख सकते, थोड़ा बहुत है तो वो तो मिल नहीं है क्या भैया। चलिए अगली गाड़ी हमारे पास वैगनार है, 2017 की वैगनार आपको मिलेगी और ये भी रांची नंबर। तो भाई ये भी रांची नंबर है, मतलब जितने भी गाड़ियां है ना लगभग लोग खोजते हैं रांची नंबर खोजते हैं। और छोटी गाड़ी खास करके वैगनार बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, फैमिली के लिए बहुत माना जाता है, फैमिली गाड़ी वैगनार लेके फैमिली कार। ठीक है डिटेल्स बता दीजिए भैया। ये आपकी लगभग 65,000 चली हुई गाड़ी है। अच्छा, और फर्स्ट ओनर गाड़ी है और कलर भी आप देख रहे हो ओरिजिनल कलर है, थोड़ा बहुत स्क्रैचेस वगैरह गाड़ी में है, वो भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट पर हम, मतलब वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे अनुसार से सारा कुछ कर दिया जाएगा। देख लीजिए सारा ओरिजिनल कलर ही, सारा ओरिजिनल कलर। कहाँ की नंबर गाड़ी होगी भैया? ये रांची की नंबर है, रांची नंबर होगी। बाकी टायर वगैरह कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ से कुछ इस तरह से आपको मिलता है, 14 इंच की आती है, 155-65-64 14 इंच की आपको इसकी टायर आती है। बाकी रेलिंग वगैरह लगी हुई है पहले से जी, रूफ रेल वगैरह सारा कुछ लगा। ठीक है, अब बताइए भैया इंश्योरेंस? इंश्योरेंस आपको करा के मिलेगा, मे भी हो सकता है फेल हो,
लेकिन आपको करा के मिलेगा, मतलब वो इंश्योरेंस तो करा ही के ही मिलेगा सारी गाड़ी, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको करा दिया जाएगा। बाकी बताइए भैया कितना चला हुआ है ये? 65,000 किलोमीटर चढ़ी हुई। 65 सर्विस रिकॉर्ड निकल जाएगी? सर्विस रिकॉर्ड निकल, तो भाई सर्विस रिकॉर्ड निकल जाएगी। बाकी इस तरह का कंडीशन देख सकते हो, एक नंबर गाड़ी है। अब जान लेते भैया इसकी कीमत, क्या कीमत होगी जरा बताइए। ये आपका है 375,000 की गाड़ी है। 375,000 फाइनेंस भी करा दीजिएगा? फाइनेंस करा देंगे, सारी गाड़ियों में फाइनेंस की सुविधा है। फाइनेंस सारी गाड़ियों में होगी, मतलब ऐसा कोई गाड़ी अभी तक नहीं है जो फाइनेंस नहीं होगी? नहीं, वो एक गाड़ी, एक गाड़ी थी, वेगनार थी, ये कस्टमर भी नहीं चाहेंगे कि उसे फाइनेंस करवाएंगे। चलिए 175,000 की तो है ही थी। तो भाई आओ लेके जाओ इस तरह का गाड़ी, देख सकते हो फुल ओरिजिनल कलर में है, कहीं कोई तरह से आपको टचअप वगैरह नहीं मिलता है। गाड़ी का लुक देख लो, अच्छी कंडीशन में आपको यहाँ से मिलती है। चलिए अगली गाड़ी हम लोग आते हैं, तो हमारे पास एक और बोलेरो है ना भैया? बोलेरो है भी हमारे पास। चलिए तो एक और हमारे पास बोलेरो है जो कि बाहर में लगी हुई है, थोड़ा सा नॉइज वगैरह यहाँ हो सकता है। क्या डिटेल्स होगी भैया आप बताइए? ये गाड़ी आपको मिलेगी, धनबाद नंबर है ये, और ये 2014 की गाड़ी है। 14 की, ओके। और गाड़ी में थोड़ा बहुत टचअप है गाड़ी के अंदर, बाकी गाड़ी का सारा मैकेनिकल पार्ट और सारा कुछ चेक करके ही हम लोग लेते हैं। गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है और गाड़ी को तो आप देख ही रहे हैं। तो गाड़ी देख लो भाई, अच्छी कंडीशन में, धनबाद नंबर गाड़ी। धनबाद नंबर गाड़ी। किलोमीटर बताइए क्या चली हुई है भैया? किलोमीटर लगभग इसका 78,000 किलोमीटर आसपास है। ओरिजिनल, कोई तरह से क्लोन वगैरह नहीं होगा भैया जी? कोई तरह से क्लोन वगैरह का, कि भाइयों को बोलते कि मीटर टेम्पर्ड वगैरह, तो ये सब तो नहीं होना? वो सब तो हम लोग के यहाँ आने से पहले पता नहीं क्या किए नहीं किए वो नहीं बता सकते, लेकिन अभी हमारे यहाँ आने के बाद ये सब चीज़ नहीं होता है। तो भाई यहाँ आते हो तो जो है ओरिजिनल में है, फर्स्ट या सेकेंड ओनर? फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर है। SLE है ना? SLE है, व्हाइट कलर में आपको ओरिजिनल कलर मिल जाएगी। इस तरह का कंडीशन देख सकते हो, नंबर देख लो यहाँ से, बाकी कोई तरह से खर्च नहीं है। आप बताइए भैया इसकी कीमत, क्या कीमत होगी जरा बताइए? इसकी कीमत सिर्फ 5,20,000 रुपये रखी गई है, और ये समझ लीजिए आपका मार्च क्लोजिंग है, इसलिए इतना कम दामों में आपको, मतलब मार्च क्लोजिंग है इसीलिए आपको कम में आपको दी जा रही है। तो जिन किन्हीं भाइयों को अगर डील ग्रैब करना है तो आप कॉल कर सकते हो, नंबर डिस्प्ले पे चल रहा होगा। तो चलिए एक और हमारे पास गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर है ना भैया? ये स्विफ्ट की मतलब डिजायर है, मारुति डिजायर गाड़ी है जो न्यू मॉडल में है, नए सेट में है। क्या डिटेल्स होगी जरा बताइए भैया? ये डीजल वर्जन में VDI बोल सकते हैं, इसके सेकंड टॉप आएगी गाड़ी। और ये ओरिजिनल कलर में मिलने वाली है आपको। कब की गाड़ी है ये? 2018 की गाड़ी है। 18 मतलब लेटेस्ट मॉडल होने वाली है, रांची राजधानी नंबर होगी। ओरिजिनल कलर में भी तो होगी उस हिसाब से? तो भाई ओरिजिनल कलर में होगी, इस तरह का आप देख सकते हो कंडीशन। अब बताइए किलोमीटर क्या चली? ये किलोमीटर 65,000 किलोमीटर ओरिजिनल। ओरिजिनल ठीक है। ओनरशिप कौन सी होगी भैया? ओनरशिप इसका होने वाला फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी, 1200 cc गाड़ी आती है ना भैया? हाँ, ये 1250 cc का आती है। बाकी इसमें तो अच्छा खासा माइलेज भी निकाल के देती है। माइलेज बहुत बढ़िया, डीजल में है और अब तो डीजल में डीजल बंद कर रखी है ना, तो भाई डीजल में है, रांची नंबर गाड़ी है। अब बता दीजिए भैया कीमत, क्या कीमत होगी जरा भाइयों को बताइए? इसकी कीमत 6,25,000 रुपये रखी गई है। 6,25,000 रखी गई है। आइए लेके जाइए, थोड़ा बहुत मेरे चैनल के थ्रू आएंगे कर दीजिएगा, वो तो आने के बाद ही देखा जाएगा। चलिए वो तो आने के बाद, आप आते हो मेरा नाम लेते हो सारा कुछ कर दिया जाएगा। बाकी देख लो ओरिजिनल कलर के साथ है ना भैया? ओरिजिनल कलर के साथ है, जो हेडलाइट और टेललाइट का काम है वो भी हम फाइनली हम लोग करके ही देंगे कस्टमर। चलिए बाकी टायर वगैरह कंडीशन देख सकते हो, अच्छी कंडीशन में है, 14 इंच की इसकी टायर की आती है। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि भैया ने सारी गाड़ियों की डिटेल बहुत अच्छे से बताए हैं। और अब जानते हैं भैया कि यहाँ फाइनेंस की सुविधा करा दीजिएगा? फाइनेंस की सुविधा यहाँ से हो जाएगी। आप कहाँ कहाँ करा दीजिएगा वो बताइए? पूरे झारखंड में हम कहीं भी करा देंगे। सिर्फ अभी झारखंड में होगी, मतलब झारखंड के कोई कोना से करा दीजिएगा। इंश्योरेंस और फाइनेंस की क्या सुविधा है भैया? इंश्योरेंस भी हम करा के ही देते हैं गाड़ी वगैरह, जिसमें होता है तो मिलता है, जिसमें नहीं होता वो उसको भी हम करवा देते हैं। चलिए और कुछ यहीं से होगी फाइनेंस की क्या सुविधा? फाइनेंस भी यहाँ से हो जाएगी। हमारे पास फाइनेंसर बहुत सारे हैं, जो चोला है, मैग्मा है, मतलब हर तरह का है, जिसमें आपको लगता है कि अच्छा है, सूटेबल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सही दे रहा, आप उससे अपना बोल सकते हैं, बात करवा सकते हैं, हम आपको फाइनेंसर से बात करवा देंगे, वो आप उससे कर ले।
नाम ट्रांसफर की क्या फैसिलिटी है? नाम ट्रांसफर में आपको जो जो टाइम टेकन होता है वो लगभग 45 दिन के अंदर, 45 दिन से एक महीना, डेढ़ महीना लगता है। तो उसका चार्ज कस्टमर को करना होगा या फिर आप कर दीजिएगा? उसका चार्ज तो अलग से कस्टमर को ही लगता है, मतलब जो गाड़ी का प्राइस है उसके अलावा लग जाता है। तो भाई क्या उसमें अमाउंट होगी भैया वो बताइए? वो लगभग 8,000 के आसपास लगता है उसमें ट्रांसफर के लिए। चलिए तो कॉल करने की टाइमिंग फिर से बता दीजिए, कब कब कॉल कर सकते हैं? कॉल करने का तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप ऑफिस आवर्स में ही कॉल करें तो बेहतर होगा, ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने सारा कुछ डिटेल बताया। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और भाई चैनल पर नए होंगे तो चैनल को इसी तरह करते रहिएगा सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका भाई भी इसी तरह के वीडियो हमेशा आप लोग के लिए लाते रहें।